If you enjoyed this video, if you like this video, if you've seen this video, if you enjoyed watching this video, if you like this video, please to like, comment, share, subscribe, butter and chocolate trifle bijli. हाँ जी पीनट बटर चॉकलेट ट्राइफल जो है शुक्र है उसके लिए पीनट बटर बिजली से बच के रह गया अच्छा जब से हम कैफे में आए हैं ना अनुष शुक्र है हमारे पास चीजें खत्म नहीं होती बिकॉज बिजली थोड़ा बिल्कुल कंट्रोल कर टेंशन नहीं ले बस दो महीने की और बात है उसके बाद So now we are making a trifle. Trifle में usually जब हम normal trifle बनाते हैं custard जो है वो उसमें बनाया जाता है एक झटपट पीनट बटर और चॉकलेट ट्राइफल आप ऐसे बना सकते हैं कि उसमें कस्टर्ड का कोई इस्तेमाल नहीं है ठीक है उसमें मैंने क्या किया अनुषे कि उसमें मैंने हाफ बॉटल ऑफ पीनट बटर ले लिया ठीक है उसको मैंने मिलाया क्रीम में ठीक है जो नॉर्मल टेट्रापैक वाली क्रीम होती है यम्मी यस और उसमें दो टेबल स्पून ऑफ कंडेंस मिल्क दैट्स इट टू मेक इट कैलोरीज लाता था लेकिन क्योंकि ये डिजर्ट्स वीक है तो कोई बात नहीं हम इसको भी सह लेंगे बिल्कुल बिल्कुल सह लेंगे और इसको हम वैसे भी नहीं खाएंगे ये तो जा रहा है किसी और के लिए देख लेंगे यहाँ से सूंघ लेंगे बस काफी हमारे लिए अच्छा अब मैंने एक काम किया हुआ था सारी डिजर्ट्स की तैयारी अनुषे हम मैं और शेफ शाह ऐसे करके रखते हैं डिजर्ट हर कैफे में हर रेस्टोरेंट में एक ऐसी चीज होती है कि आधे से ज्यादा क्या पूरी काइंड ऑफ प्रिपेयर हुई भी होती है बिल्कुल सही इसलिए हमने क्या किया कि हमने किसी भी किस्म के शॉर्ट्स लेने ग्लासेस लेने उसमें हमने ब्राउन बना भी सकते हैं ये हमने बनी बनाई ब्राउनीज लेके इसको काटा इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया ताकि अच्छा सा सोक कर ले और अब मैं इसमें ऐड करूंगी पीनट बटर ठीक है एक हम लगाएंगे लेयर पीनट बटर की एक और कॉल भी आ गई हमारे पास जल्दी से ये कॉल भी ले लेते हैं और देखते हैं कि फोन लाइन पे कौन है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक आप बताइए क्या हाल है जी बिल्कुल ठीक बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच दुआएं आपकी आयशा भी आज यहाँ पे डिजर्ट्स बना रही है आपका फेवरेट डिजर्ट कौन सा है एक्चुअली मैं नहीं खाती मीठा पसंद नहीं है जी तो असल में मुझे जो बात करनी थी ना अपनी बेटी के हवाले से बात करनी थी जी जी मेरी बेटी जो है 2.5 साल की है जी लेकिन वो खाने पे नहीं आ रही है मैंने जितनी भी कोशिश करनी थी कर ली है और जो है ना बिल्कुल सही तो कुछ अच्छा दूध नीडो 1+ ले रही है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं ना 3 से 4 औंस की ज्यादा नहीं पीती है खाना तो टेंशन हो रही है अभी उसकी स्कूल में एडमिशन करवाई है तो वो वीक हो जाएगी उसको क्या करूँ किस तरह उसको खाने पिलाऊं मैं चले जी मैं आयशा से भी पूछ लेती हूँ देख लेते हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पे साथ भी मौजूद है हमारे लेकिन एक ब्रेक पे चलते हैं जल्दी से ब्रेक से जैसे वापस आते हैं फिर आपके सवाल का जवाब भी देते हैं ठीक है और यहाँ पे जरा आयशा की रेसिपी कंप्लीट भी हो गई नहीं 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 अभी एक ही क्या हो गया इतने जल्दी नहीं नहीं ब्रेक के बाद ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास एक कॉल भी थी कॉलर ने एक अच्छा सवाल किया था लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है इसका जवाब कि 2 साल की बच्ची जो है 2.5 साल की वो खाना नहीं खाती देखिए कोई किसी चीज में मजा नहीं आ रहा जब बच्चा 2 साल का होता है तो ऑब्वियसली वो खाने में वही सारे नखरे करता है जो कि हर माँ ये शिकायत करी थी हमारा बच्चा खाना नहीं खाता नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो आपके बच्चे का डॉक्टर है चाइल्ड डॉक्टर आपका फैमिली डॉक्टर वही आपको बता सकेगा कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज है और सबसे पहले वो ये बता दे अनुषे कि सब नॉर्मल है ठीक है बस बच्चा खा इसलिए नहीं रहा है कि क्योंकि उसको ये चीज पसंद नहीं आ रही है नंबर वन व्हेन यू थिंक कि उसकी ग्रोथ नॉर्मल है एवरीथिंग इज नॉर्मल देन आती है सेकंड स्टेज कि उसकी पसंद क्या है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मीठा पसंद नहीं होता और ये मेरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने मेरी मदर को बताया था हमारे लिए उस जमाने में एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि अच्छा हम तो समझते हैं बच्चा हर बच्चे को मीठा पसंद होता है बिल्कुल आप यही समझते हैं आलू और मक्खन और फीकी चीजें और मीठा खाता है नो देयर आर सम चिल्ड्रन जिनको बचपन से ही उनके टेस्ट पर डेवलप हो चुके हो 1.5 साल की उम्र में हो जाते हैं काइंड ऑफ और उनको चटपटी चीजें अच्छी लगती हैं सो लिटरली मेरे पीडियाट्रिशियन ने मुझे ये बताया लाइक उस वक्त मेरी मदर को ये बताया कि उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा बच्चा था वो नहीं खाता था खाना 2-2.5 साल का हो गया था उन्होंने क्या किया कि दलिये में हल्का सा अचार जस्ट पिंच ऑफ अचार उन्होंने ऐड करके दिया और जब उनकी मदर ने सुना कहती नहीं नहीं मैं अपने बच्चे को अचार नहीं दूंगी छोटा है एंड ही लव्ड इट सो मैं ये नहीं कह रही खास तौर पे कि सिर्फ ही अचार दें मगर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट जो है वो ये मैं भी कहने वाली थी कि एक ही एडवाइस हो सकती है कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहें कुछ ना कुछ बनाते रहें कभी आलू बनाए तो कभी अचार दे दें तो कभी दही दे दें तो कभी कुछ ना कुछ उसको अच्छा लगेगा बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता कभी भी जो है वो बच्चे को फोर्स नहीं करें कि आपको यही खाना है अगर उसके सामने बैठ के आप खाना शौक से खाएंगे और एक दो दिन उसको नहीं भी पूछें कुछ ना कुछ वो यकीनन खा लेगा तो जब बच्चे को ये होगा कि आई एम नॉट फोर्स टू डू दिस पर्टिकुलर अच्छी एडवाइस है कि आपकी
जीपी अगर कहें माशाल्लाह ये हेल्दी है, कुछ उसके साथ सही नहीं है, तो फिर 19-20 चलते रहता है. बिल्कुल करते रहें, फिकर ना करें इतनी ज्यादा. आई एम श्योर शी विल ईट समथिंग एंड लाइक समथिंग. आयशा कहाँ पहुंची तुम्हारी रेसिपी जो मैं समझ रही थी कंप्लीट हो गई? नहीं नहीं नहीं, एक लेयर हमने लगा दी पीनट बटर की. अब हम इसमें चॉकलेट को मैंने टेम्पर कर लिया है, कोकिंग चॉकलेट अच्छी क्वालिटी की. कंडेंस मिल्क मैंने हाफ कप ऐड कर दिया. क्रीम मैं इसमें ऐड करूंगी. इन तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद आई विल ऐड अ बिट ऑफ मिल्क, जिससे इसकी कस्टर्ड जैसी कंसिस्टेंसी डेवलप हो जाएगी. यानी कि ये अभी गाढ़ा है तो ये थोड़ा सा हो जाएगा पतला. ठीक है, और उसके बाद फिर हम उस पर ये लेयर लगाएंगे. ठीक है. अच्छा, ये चीज इतनी आसान है, लिटरली बच्चे भी बना सकते हैं. और एकदम से आपके घर में कोई आ जाता है तो चॉकलेट चिलर में आप रख लें. क्रीम घर में यूजुअली रखी होती है, नहीं रखी तो ग्रोसरी में एक दो क्रीम के पैकेट्स आप मंगवा लें. दिस इज वेरी इजी. ठीक है, एंड सिंपल टू मेक. ठीक है, तो अच्छा सा अभी हम इसको स्मूथ करेंगे. अभी तुम देखना इतने मजे का, बिजली इतने प्यार से देख रही है जैसे मैं खुद घर जाके बनाने वाली हूं. हां बाजी, मैं अपने बच्चों को बना के दूं ताकि वो तो खाए. बाकी बाजी बच्चे आजकल नहीं खाते, मेरा बच्चा भी नहीं खाता. बड़ी टेंशन होती है तो उसको फ्रेंच फ्राइज बना बना के देती हूँ तो वो खा लेता. बच्चों की आदतें वैसे बुरी कर दी है हमने, उनको घर का खाना खिलाना चाहिए. बिल्कुल. और उनको अकोमोडेट करने के चक्कर में ऐसी अनहेल्दी चीजें उनको खिले हैं, जबकि हमारे घर में तो ये होता था कि सब्जियां बनी है तो सब्जियां खानी है. Exactly. और कुछ नहीं हो सकता, चिप्स नहीं बनेंगे, बर्गर नहीं बनेगा, डिजर्ट्स नहीं बनेंगी, जो सब्जी है वही सब्जी. तो इससे क्या होता है, बच्चों को आदत हो जाती है हर किसी की सब्जी खाने की, और वो ठीक होते हैं घर के खाने के साथ. हमें सिर्फ हफ्ते में एक दिन इजाजत थी बाहर खाने की. बिल्कुल. और तो मैं तो यही कह सकती हूँ, आगे आपको यही एडवाइस दे सकती हूँ कि अपने बच्चों के साथ ये किया करें. और यही एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज अब जाके तुम्हें सब्जियाँ इसलिए पसंद है बिकॉज तुम्हारा टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है सब्जियाँ खाने के लिए. By the way, सबसे ज्यादा क्या पसंद है? या मुझे तो बिरयानी पसंद है अब जाके, लेकिन हमेशा से तो बहुत सारी चीजें पसंद थी. मतलब कि मैं हर चीज खा लेती हूँ, मैं कभी कोई इतना नखरा नहीं करती. मैं करेला भी खा लेती हूँ, मैं इतना तो मैं फंसी नहीं हूँ. लेकिन तुम बताओ बजरी, तुम भी क्या सब कुछ खा लेती हो? आप भी बताइए. कॉल करके आज मैं सारी चीजें खा लेती हूँ, कोई भी भाजी हो, कोई भी दाल हो, सब खा लेती हूँ. लेकिन ये कि हमारा अब ये है ना कि जैसे एक बंदा खा रहा हो, कार के बहुत सारे लोग ना खा रहे हो तो बड़ी मुसीबत हो जाती है कि ना. फिर बच्चा कहता है मेरी माँ तो खा रही लेकिन दूसरे लोग क्यों नहीं खा रहे. हाँ. तो हमें तो ये करना है सारे घर वाले खाए ताकि बच्चों को ये हो ना कि हाँ ये सब खा रहे. इसी तरीके से बच्चों में आदत आती है कि सब. लेकिन बाजी मैं बाहर की कोई चीज नहीं, मैं ये जो नगेट्स वगैरह होते हैं जो बाजी ने सिखाए थे वो मैं घर में बना के अपने बच्चों को देती हूँ. और कैंटीन में जो स्कूलों में खाना मिलता है थोड़ा, उसके बारे में भी हमने कितनी बातें की है कि स्कूल्स में इतना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं बच्चों को, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन स्कूल वाले अपने मेन्यू को चेंज ही नहीं करते. कैंटीन में हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो आप कभी अपने बच्चों को अपने घर में ना दें. फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स टू लाइक फ्रेंच फ्राइज एंड बर्गर्स और ये सारी रोल्स. मेरी तो हमेशा स्कूल से भी एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर हम बच्चों को लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, उनकी सेहत के लिए क्या क्या अच्छा है, तो फिर कैंटीन में भी वही चीज़ फॉलो करें और अच्छी चीज़ें दें बच्चों को खाने के लिए, फ्रूट्स वगैरह. आपकी इस बात से मैं एक बात बताऊँगी कि स्कूलों में ना ये चूरन जो मिलता है, वाकई चटपटा टाइप का चूरन और काला चूरन, हमने एक दो दफा खाया. हमारे अम्मा अब्बा ने हमारे ना इतनी कुटाई की है कि हमारे दिमाग ठिकाने आ गए. आजकल जो है ना वो माँ बाप कुछ कहते नहीं, नहीं बच्चे उनके पेटों में दर्द रहता है, वो मैदे में दर्द रहता है, वो कहते रोते हैं, स्कूल नहीं जाते इसी वजह से. तो ये स्कूल वालों को भी चाहिए कि ना ये ना रखे ये सारी चीजें, ये खराब होती है. मीठी है मिठाई यार, छोटी छोटी सी पता नहीं किस हिसाब से बनती है. ट्रू. अच्छा, आपको पता है कि अब कराची में थोड़े बहुत ऐसे कैफेज, ऐसी जगह खुलनी स्टार्ट हो गई हैं जो बच्चों के फूड पे फोकस करते हैं. और मेरी फ्रेंड सुनीता ने मुझे बताया था आउट नेस्ट के नाम से भी एक जगह है. अच्छा? जो कि यूजुअली इट्स अबाउट किड्स एंड देयर फूड. सो हम एक काम करेंगे अनुषे कि हम कैफे में भी इंशाल्लाह एक वीक मनाएंगे जिसमें हम सारी वो चीजें बनाएंगे जो बच्चे खा सकते हैं, यू नेम इट, बर्गर, सैंडविचेस, पिज्जा, और ये सारी वो सपोजिटली अनहेल्दी और जंक फूड चीजें हैं जिनको आप हेल्दी बना सकते हैं. ट्रस्ट मी, आप इनको हेल्दी बना सकते हैं और हम आपको बना के करना जरूरी हो गया इसका. लेकिन वैसे क्योंकि अब जमाना इसी तरफ जा रहा है, लोग भी इसी तरफ जा रहे हैं यार, ये चीज होनी चाहिए. जी ये तो सारी बच्चों की बातें हो गई. बच्चों को हम ये चीजें बना के खिलाएं. हाँ. इस तरह की चीजें खिलाएं, बाजार की चीजें ना खिलाएं, कार की चीजें खिलाएं. स्कूल में ये चीजें होती है, स्कूल के बाहर ये चीज होती है. तो बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी होती है तो हम लोग हंसा जाके वहाँ पे भी एक शो कर सकते हैं ना, जैसे समर के ऊपर होता है शो. गला खराब हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा. चलते हैं जरा, करते हैं जी रेसिपी की तरफ. आ जाते हैं यहाँ पे, अब कंप्लीट कंपटीशन की तरफ जा रहा है हमारा डिजर्ट. ट्राइफल में मैंने पीनट्स को चॉप करके ऐड किया, चॉकलेट का हमने वो कस्टर्ड बनाया जिसमें मैंने कोई कॉर्नफ्लोर यूज नहीं किया, जस्ट क्रीम एंड कंडेंस्ड मिल्क एंड चॉकलेट. बहुत सारे पीनट्स ऐड करेंगे और
हम चाहते हैं कि अब इसमें आ जाए एक कैफे लुक. सो उस कैफे लुक को लाने के लिए वन ब्राउनी ऑन ईच कप. ठीक है, जबरदस्त, तालियां हो जाए जी. बिजली, क्या बात है आयशा. Looking really nice and very heavy. Really also heavy. Very filling. Really, really heavy. इसलिए हमने बहुत छोटे छोटे से ये shorts जैसे glasses बनाए हैं. ठीक है. अच्छा, ये मैंने add कर दिया. Last हम इसमें एक एक cookie add कर देंगे. अच्छा अनुषा, एक एक important चीज वो ये कि peanut butter का जो mixture बनाएंगे ना cream के साथ और condensed milk के साथ, वो बिल्कुल भी ज़्यादा मीठा नहीं रखिएगा, because chocolate की मिठास और peanut butter का salty flavour, इन दोनों का combination चाहिए. ठीक है जी, एक और important चीज. Yes, break. That's it. Break ले लेते, ये बड़ी important चीज़ होती है. मिलते हैं छोटे से break के बाद. इस dessert को ज़रूर try कीजिएगा और हमें भी बताइएगा कि जब आपने इसको बनाया तो आपका experience कैसा रहा. मिलते हैं छोटे से break के बाद.